हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग यांत्रिकी चैप्टर से क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने यांत्रिकी से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, इस वीडियो में भी मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगामी जितने भी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक नई श्रृंखला मैंने शुरुआत की है। यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास सही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये श्रृंखला कंटिन्यू चले तो इसके लिए भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है, ठीक है। तो देखिए, जो क्यूरी इकाई होती है वो होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ठीक है। किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता की होती है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट अगर खुद से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, तो वो तत्व कहलाता है रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो धर्मिता की इकाई है। आगे है पास्कल किसका इकाई है, तो देखिए पास्कल जो इकाई है वह दाब का इकाई है, ठीक है। दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल। अगर मान लीजिए इसी जगह पूछ लेते वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? बैरोग्राफ, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ओके, चलिए, दाब का मतलब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उस पर दाब का वैल्यू उतना कम लगेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना घटेगा यानी सरफेस एरिया जितना कम होगा दाब का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, अगला है कैंडेला मात्रक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो कैंडेला जो मात्रक होता है वो होता है ज्योति तीव्रता का। ओके, ज्योति फ्लेक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलो आगे देखते हैं, जूल निम्नलिखित इकाई है, ठीक है। तो किसकी इकाई है जूल? तो जूल जो इकाई होती है वह होता है ऊर्जा का, ठीक है, या कार्य का भी। याद रखिएगा, कार्य उष्मा और कार्य का उष्मा का, ठीक है, क्या होता है? जूल होता है ऐसा ही मात्रक। ओके, चलो, बल का न्यूटन, दाब का मैंने भी बता दिया पास्कल, अगर बैरोमीटर पूछ लेता है तो वायुमंडलीय दाब, और ताप का क्या हो जाएगा? सेल्सियस पैमाना। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। देखो, हमारे फिजिक्स में 7 आधारी राशि हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ आधारी राशि को 1965 तक दे दिया गया था। उनमें 2 आधारी राशि को, ठीक है, लास्ट में जोड़ा गया था, कब? 1971 में, और उसी समय मात्रकों की ऐसा पद्धति भी शुरू करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पद्धति को हिंदी में दे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ऐसा पद्धति का पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ऐसा ही बोले तो एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल डी यूनिट। ओके, तो ये कब शुरू करी गई थी? 1971 ईस्वी में। आगे हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो देखो, हर्ट्ज जो होता है वह तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्वनि की जो तीव्रता होती है या आवृत्ति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो देखो, विद्युत मात्रा का मतलब हो गया कि इकाई समय में कितना आवेश का चालन हो रहा है, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जितनी भी आवेश की मात्रा का चालन होता है, ओके, उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी विद्युत धारा। और विद्युत धारा को जो मापने की इकाई वह है एम्पियर, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम किसका है? तो रेसिस्टेंस का है, वोल्ट विभवांतर का। कूलम किसका है? चार्ज का। यहाँ पर ऐसे ही पूछ लेता आपसे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है, एम्पियर याद रखोगे मापने, और विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है? अमीटर से। ओके, और अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है परिपथ में, ठीक है। ओके, यदि आप इसका ट्रिक चाहते हो कि किस पदार्थ को श्रेणी क्रम में और किस पदार्थ को समांतर क्रम में लगाया जाता है, तो मैं इसका ट्रिक बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ओके, ओम किसका है? ओम हो जाता है प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का या विभव का, कूलम किसका हो जाएगा? आवेश का। आगे है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर। ओके, लेंस की शक्ति क्या होता है? फोकस दूरी का व्युतक्रम, यानी कि डी इज़ इक्वल्स टू 1/f, या डी के जगह पर पी भी रहेगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, ये जो 1 होता है ये आपका मीटर में होता है। अगर मान लो कि फोकल लेंथ आपका मीटर में दिया हुआ है तो 1/f ही रहेगा, लेकिन अगर आपको जो फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में दिया गया है तो ऊपर में जो 1 है 1 ना होकर के 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो अगर मान लो कि फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में है तो 100/1
फोकल लेंथ जो भी दिया गया है वो आप दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी वस्तु का क्षमता, ठीक है, लेंस का क्षमता। तो लेंस की ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? डाप्टर होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखो, डेसिबल जो होता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा जो कान है उसमें जो ध्वनि सुनाई देती है, या कह लो कि अगर इसकी डेसिबल अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, कान को काफ़ी हानि पहुंचेगी। ओके, सामान्य बातचीत से 35 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये इतना ध्वनि हमारे लिए ठीक है। इससे ज़्यादा जाओगे 80 डेसिबल या 100 डेसिबल जाओगे, तो 100 डेसिबल तक जाओगे तो वो हमें पागल बना सकती है। ओके, तो डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे एम्पियर नापने की इकाई है, तो मैंने पहले बताया था कि एम्पियर जो नापने की इकाई है वह क्या है? करंट का है, यानी कि विद्युत धारा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज विभवांतर, ओके, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ओम। और पावर किसका हो जाएगा? आपका पावर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। पावर बोले तो शक्ति, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट हो जाएगा। प्रतिरोध किसका यूनिट, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम हो जाएगा। ओके, वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा, और करंट किसका हो गया? विद्युत धारा का। तो उम्मीद करते हैं मैंने इसमें भी 10 क्वेश्चन करवाए हैं, तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यह श्रृंखला कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।